बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सरज़मीन मिस्र से मोहम्मद वसीम शाह आपके साथ मुखातिब है। नाज़रीन, आज हम जा रहे हैं सिलसिला बुरहामिया के एक शेख साहब से मिलने के लिए, उनकी ज़ियारत के लिए, जो कि मेरे उस्ताद मुकर्रम मोहतरम डॉक्टर महमूद आबिदीन हाफिज़ाहुल्लाह ताला उनके पीर साहब भी हैं और उनके उस्ताद भी हैं। जाने से पहले जो मैंने पढ़ा है वो कुछ आपको बताता हूँ। शेख साहब सन 1939 में मिस्र के मुहाफ़ज़ा उस्वान के मरकज़ इथ्फू में पैदा हुए। 7 साल की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज किया। तालीमी मराहिल तय करते हुए काहिरा में सईदा ज़ैनब के करीब मरकज़ महद असकरतारिया में तालीमी मराहिल मुकम्मल किए। आपने बहुत से मशाइख की सोहबत इख्तियार की और उनसे फ़ैज़ व बरकात हासिल किए। आपके मशहूर मशाइख में से शेख इब्राहिम अद्दसूकी रहिमहुल्लाह ताला, शेख इब्राहिम अद्दसूकी जो कि कुतुब हैं वो नहीं बल्कि ये दूसरे हैं, शेख अहमद यासीन अर्रिकाबी और फिर आखिर में शेख इब्राहिम मंसूर अली रहिमहुल्लाह ताला, उनके हाथ पर बैत की और सिलसिला बुरहामिया में दाखिल हुए। आप छोटी उम्र में ही अल्लाह के साथ लो रखने वाले थे। आप बहुत ज़्यादा तकवा परहेजगारी और इबादत गुजार हैं। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा मुताला करने वाले हैं। इसके अलावा आपने बहुत सी किताबें तसनीफ की जिनमें दीवान शेर जो कि अदब और शेर के मौजू पर है बहुत मशहूर है। तालीमी मराहिल तय करने के बाद इस सारे मरहले में आप शुगर फैक्ट्री में काम भी करते रहे। आपके बहुत से तलामीज़ा और मुरीदीन हैं जिनकी आप अच्छे से तरबियत करते रहते हैं। शेख साहब ने बहुत सी खानकाहें बनाई जिनमें आखिरी में आपने क़याम फरमाया जहाँ पे हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको रास्ते में मनाजिर भी दिखाएंगे और साथ साथ शेख साहब की ज़ियारत भी करवाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, रास्ते में मिस्री दोस्त बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदासराई भी पेश करते गए और मोहतरम डॉक्टर महमूद आबिदीन साहब अपने कीमती कलिमात से भी नवाजते गए। अब हम शेख साहब की बस्ती में दाखिल हो चुके हैं। रास्ते में पीछे सहरा ही सहरा था। दिखने में ये गांव खूबसूरत नज़र आ रहा है। दूर दूर तक हमें खजूर के दरख्त नज़र आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 12 घंटों की मुसाफत के बाद यहाँ पे पहुँच चुके हैं। खानकाह है यहाँ पे, ये मेरे बैक साइड पे ये दरगाह है शेख साहब की बनाई। मुझे रास्ते में किसी ने बताया कि ये शेख साहब का मज़ार बनाया गया, तो मैंने कहा क्या शेख साहब को वक्त से पहले ही इस जहाँ से रुख्सत करने का इरादा है क्या? तो कह रहा ऐसी बात नहीं है। ये पीछे हज़रत इब्राहिम दसूकी रहमतुल्लाह अलैह आपके नाम से मंसूब ये मस्जिद बनाई हुई है। चूँकि इनका जो सिलसिला है वो हज़रत सैयदना इब्राहिम अद्दसूकी रहिमुल्लाह तक है। ये अच्छी राजदारी है, ये अच्छी परदादारी है, ये अच्छी राजदारी है। जिस तरह हमारे यहाँ पकोड़े बनाए जाते हैं, इसी तरह इनके यहाँ भी पकोड़ा टाइप एक चीज़ बनाई जाती है जिसे ये तामिया बोलते हैं। नहायत ही उम्दा ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया। ये सुबह का नाश्ता है। ये शेख साहब हैं, इनकी ज़ियारत करके अल्लाह जानता है बहुत ही लुत्फ महसूस हुआ, रूहानी तौर पर भी बहुत सुकून महसूस किया। नाज पर लेकर चलो अल्लाह 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 नवरा
जिन्हें आप समाप्त कर रहे हैं ये अक्सर मज़ूबाना कैफियत में रहते हैं, लेकिन शेख साहब ने कहा कि इन्हें मज़ूब नहीं कह सकते। इनकी कैफियत ये तारी होती है कि जिस वक्त ये अपनी कैफियत में आते हैं तो आप अगर इन्हें बुलाएंगे तो इनका एक ही जवाब होगा, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोपहर का खाना, ये रोटी जो आपको नज़र आ रही है इसे शमसी रोटी बोलते हैं। ये सूरज में पकाई जाती है रोटी, सूरज की तपश में ये रोटी पकाई जाती है। नाज़रीन, शेख साहब के मुतालिक जैसे मुझे बताया गया था, मैंने उन्हें उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ कर पाया। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए, हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह करीम इनको दराज़ उम्र बिल खैर अता फ़रमाए। फिर रात को हम शेख साहब के साथ उनके मुरीदों के हमरा उनके एक मुरीद के यहाँ ताज़ियत के लिए गए। ताज़ियत के बाद शेख साहब तो वापस अपने घर तशरीफ़ ले गए, लेकिन हम अपने दोस्तों के हमरा एक दोस्त की शादी थी उसे मुबारकबाद देने के लिए आ गए। ये अच्छी परदादारी है, ये अच्छी राजदारी है, जो आए तुम्हारी बज़्म में, जो आए तुम्हारी बज़्म में दीवाना हो जाए। अच्छी परदादारी है, ये अच्छी राज।